एक तरफ हिजबुल्ला इसराइल की चौखट पर युद्ध के लिए गोला बारूद लेकर खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में यमन का हूती इसराइल और अमेरिका के गले की फांस बन गया है, जिससे चाहकर भी छुटकारा पाना मुश्किल हो चुका है। दरअसल हूती लाल सागर में इसराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है। हूती ने एक जहाज को हाईजैक कर रखा है, तो वहीं अभी तक दो जहाज हूती के हमलों की वजह से लाल सागर में समा चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच अब ऐसा लग रहा है कि हूती भी हिजबुल्ला की तरह इसराइल पर एक बड़ा अटैक करने की तैयारी में है। वो इसलिए क्योंकि हूती के रक्षा मंत्री मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अल आतिफी का कहना है कि हूती इसराइल के कब्जे वाले समूचे फिलिस्तीन के भीतर कहीं पर भी हमला कर सकता है। आतिफी का कहना है कि यमनी सशस्त्र बल अपनी सारी ताकत के साथ इसराइल में गहराई तक दर्दनाक हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सैन्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सैन्य निर्धारक और इसराइल की कमजोरियों का गहराई से अध्ययन किया गया है। हूती के रक्षा मंत्री ने आगे अपने बयान में कहा कि इजरायली लक्ष्यों के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की सावधानी पूर्वक और सटीक रूप से पहचान की गई है और गहन सूचनात्मक और खुफिया विश्लेषण किया गया है। आपको बता दें कि हूती के रक्षा मंत्री ने इसराइल को धमकी दी है कि हूती के पास इसराइल पर सटीक और सीधा हमला करने की ताकत है। इसके अलावा हूती के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इसराइल द्वारा हमारे अधिकारियों की हत्याओं का मजबूती से जवाब देने के लिए हूती अन्य प्रतिरोधी गुटों के साथ एकदम तैयार है। आतिफी के इस बयान से ये बात तो साफ हो चुकी है कि हूती इराक और सीरिया के प्रतिरोधी गुटों के साथ हमला करने के लिए एकदम तैयार है। नासिर आतिफी ने आगे कहा कि हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि जिहाद और प्रतिरोध की धुरी की ओर से इसराइल के अपराधों के प्रति प्रतिक्रिया आ रही है, जैसा कि हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने पुष्टि की है, और उन्होंने कहा कि ये एक रणनीतिक और निर्णायक प्रतिक्रिया होगी। और तो और हूती के रक्षा मंत्री ने ये तक कह दिया कि इसराइल यमन की धरती पर जो हमले कर रहा है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी, और इलाके में अमेरिकी सेना जो इसराइल की ढाल बनकर सामने आई है वो भी इसराइल को नतीजा भुगतने से बचा नहीं पाएगी। आपको बता दें कि मिडल ईस्ट में इसराइल के लिए बढ़ते खतरों को देखते हुए अमेरिका ने अपने कई जंगी जहाज भूमध्य सागर में भेज दिए हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी सेना के कई सीनियर अधिकारी इसराइल में डेरा डाले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हूती ने मिडल ईस्ट में 80 से ज्यादा जहाजों पर हमले किए हैं। हूती ने एक जहाज को किडनैप कर लिया है, जबकि दो जहाजों को समंदर में डुबो दिया है, जिसमें चार नाविकों की मौत हो चुकी है। वहीं हूती के हमलों को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिडल ईस्ट के लिए यूएसएस जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी को रवाना कर दिया है, और यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही ओमान की खाड़ी में है। इसके अलावा यूएसएस वास एक बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट जहाज 35 F-35 लड़ाकू जेट्स को लेकर भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी मिडल ईस्ट में उतारने का आदेश दे दिया गया है।